देव रतुड़ी यानी चीन का अक्षय कुमार, जो कभी भारत में घर घर दूध देने जाता था, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर से लेकर वेटर तक की छोटी मोटी नौकरियों से गुजारा करता था, आज चीन का कामयाब एक्टर, बड़ी रेस्टोरेंट चेन का मालिक, यही नहीं उसके रंग से राजा बनने की कहानी चीनी युवा पीढ़ी को मिसाल देने के लिए चीनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है। देव की स्टोरी आगे जानने से पहले आपसे अपील है कि हमारे देशनामा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। 12वीं से ड्रॉप आउट, बिना होटल मैनेजमेंट की डिग्री लिए और बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के देव रतुड़ी ने अपनी मेहनत के दम पर विदेशी सरजमीन पर कामयाबी के जिस शिखर को छुआ, उससे हर नौजवान को प्रेरणा लेनी चाहिए। देव की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के केमरिया सौड़ गांव से। 1976 में देव का जन्म एक किसान के परिवार में हुआ। 5 संतान वाले भूमिहीन परिवार में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। देव 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। ऐसे में देव ने घर को आर्थिक सहारा देने के लिए कोई काम ढूंढने के इरादे से दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर का रुख किया। देव ने एक बार किराए का वीडियो कैसेट रिकॉर्डर लाकर फिल्म ड्रैगन द ब्रूसली स्टोरी देखी, तब से चाइनीज मार्शल आर्ट सुपरस्टार दिवंगत ब्रूसली का नशा देव के दिमाग पर ऐसा छाया कि कभी निकलने का नाम ही नहीं लिया। सरकारी स्कूल में पढ़े देव को बेशक अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती थी, लेकिन ब्रूसली के रुक रुक कर फिल्म में धीरे अंग्रेजी बोलने और बिना किसी हथियार लड़ाई में दुश्मनों को चित करने ने देव को खास तौर पर प्रभावित किया। एक्टिंग का शौक 1998 में देव को दिल्ली से मुंबई ले गया। वहाँ देव का भाई प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। देव मुंबई पहुँचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। साथ ही जब भी मौका मिलता, भाई की मदद से शूटिंग के लिए फिल्मों के सेट पर पहुँच जाता। ऐसे ही एक सेट पर महाभारत के दुर्योधन फेम एक्टर पुनीत इस्सर अपने डायरेक्ट किए सीरियल हिंदुस्तानी की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ देव को एक्टिंग के लिए एक डायलॉग दिया गया, लेकिन जैसे ही लाइट साउंड एक्शन कहा गया, देव के पैर कांपने लगे और वो डायलॉग बोलना भूल गया। देव को वहीं से लगा कि एक्टिंग करना आसान काम नहीं है। देव का दिल टूट गया और वो दिल्ली वापिस आ गया। यहाँ देव ने घर घर दूध पहुँचाने और कार ड्राइवर जैसे काम भी किए। फिर देव ने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी ढूंढ ली। दिल्ली में ही देव को एक ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिला जिसके चीन में भारतीय रेस्तरां थे। देव के गुजारिश करने पर वो शख्स चीन के शेंजेन में अपने रेस्तरां में देव को वेटर की नौकरी देने के लिए तैयार हो गया। 2005 में देव चीन पहुंच गया। वहां देव ने 1650 युआन यानी करीब 15,000 रुपए बहिरा की नौकरी से शुरुआत की। देव दिन में वेटर की नौकरी और रात को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगा। देव को कुछ कर दिखाने के लिए इस बात से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि कभी उसके हीरो ब्रूसली ने भी होटल में डिश वॉशर यानी बर्तन धोने का काम किया था। देव ने उन दिनों शेंजेन में 18-18 घंटे काम किया। मेहनत रंग लाई और देव सुपरवाइजर, एरिया मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ की सीढ़ियां चढ़ता गया। चीन पहुंचने के 6 साल बाद यानी 2011 में देव भारत वापिस आया और यहाँ ऋषिकेश की रहने वाली लड़की अंजलि से शादी की और फिर चीन का दोबारा रुख किया। चीन में प्रवास के दौरान 8 साल में ही देव की सैलरी भी कई गुना बढ़कर 30,000 युआन यानी करीब 3.5 लाख रुपए महीना तक पहुंच चुकी थी। देव के पहले बेटे आरव का जन्म 2012 और दूसरे बेटे अर्णव का जन्म 2014 में हुआ। चीन में रहने के दौरान देव ने एक बात महसूस की, वो ये कि चीन के लोगों को भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान के बारे में कब ही जानकारी थी। इसी तरह भारत के लोगों में भी चीन के लोगों को लेकर कई भ्रांतियां थी। देव ने इसी दूरी को पाटने के लिए 2013 में कुछ दोस्तों की मदद से चीन के शांक्सी प्रांत की राजधानी शियान में भारतीय थीम पर रेड फोर्ट नाम से रेस्टोरेंट खोला। इसी के माध्यम से शियान में देव ने भारत के दिवाली, होली जैसे त्योहार और बॉलीवुड के गाने डांस को प्रमोट करना शुरू किया। देव ने एक योगा स्टूडियो भी खोला। देव का ये प्रयास इतना कामयाब रहा कि आज वो चीन के अलग अलग हिस्सों में 13 रेस्टोरेंट्स की चेन अंबर पैलेस के मालिक हैं। 100 से ज्यादा लोग देव के लिए काम करते हैं। देव ने चीनियों के साथ उत्तराखंड से 40 युवाओं को भी रोजगार दिया।
2016 में देव की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब चेंगडू प्रांत में उनके बहुत मनोहारी बैकग्राउंड वाली जगह रेस्टोरेंट में चीनी डायरेक्टर टैंग ने अपने सीरियल स्पेशल स्वाद के एक सीक्वेंस की शूटिंग करने का फैसला किया। टैंग ने साथ ही देव को एक छोटा सा नेगेटिव कैरेक्टर करने का मौका दिया। यहाँ से देव के एक्टिंग के उसी सपने की फिर शुरुआत हुई जो 1998 में मुंबई में टूट गया था। फिर देव ने एक्टिंग के फील्ड में भी मुड़कर नहीं देखा। देव अब तक चीन और हॉलीवुड की 35 फिल्मों और टीवी सीरियल्स में कई दमदार रोल कर चुके हैं। इनमें द आर्क, द ट्रैप, माय रूममेट इज डिटेक्टिव, स्ट्रेंज लीजेंड ऑफ टैंग डायनेस्टी, वुल्फ पैक, स्ट्रीट रिपर्थ, बिग हार्बर, ओवरसीज ऑपरेशंस, चेकमेट्स, अफान डाडा शामिल हैं। 2018 में देव रतूड़ी को वन बेल्ट वन रोड प्लान के तहत सिल्क रोड चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स ने सिल्क रोड एम्बेसडर बनाया। 2019 में शियान में सातवीं क्लास के सिलेबस में देव की स्टोरी को जोड़ा गया। देव पर सीसीटीवी, शिनहुआ, मैंगो टीवी और हिस्ट्री चैनल जैसे मीडिया हाउस 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। देव को ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो वो अपनी कमाई का 30% हिस्सा चैरिटी में देना भी नहीं भूलते। वाकई देव युवा पीढ़ी के लिए मिसाल के साथ ड्रैगन की जमीन पर सही मायने में भारतीय संस्कृति के दूत है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।